हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज किरण गोस्वामी फ्रॉम स्वास्थ्य पब्लिक स्कूल एंड योर SST टीचर. सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने, आप सभी को याद होगा कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द नॉर्थन माउंटेन. ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे. एंड होप आप सभी ने इसको अपने नोटबुक में, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. और मेरे पास ऐसा कोई इशू या मतलब मेरे पास कोई कॉल या व्हाट्सएप नहीं आई कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है. अगर इसके बाद भी है, अभी भी है तुम्हें, तो बेटा यू कैन आस्क मी. नो डाउट वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो नॉर्थन प्लेन्स के बारे में, जो कि फोर्थ चैप्टर है आपके SST का, द नॉर्थन प्लेन्स. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो बेटा नॉर्थन प्लेन्स के बारे में मैंने ऊपर इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है. आपको पता है, आपको जो यहाँ पे ना एक पिंक बॉक्स बना है स्टार्टिंग में, इसमें लेट स्टार्ट लिखा हुआ है. इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं. अगर आपको पता है तो आप मुझे मतलब लिख सकते हैं. वैसे मैंने आपके स्क्रीनशॉट इसमें अटैच कर लिया, उसमें लिखा हुआ है. पहला क्वेश्चन इसमें लिखा, व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन क्या होता है, है ना? तो इसमें आंसर लिखा, अ प्लेन एज अ फ्लैट एरिया ऑन अर्थ सरफेस. मतलब आपको पता है प्लेन क्या होता है, बिल्कुल जो समतल है, बिल्कुल क्या कहते हैं, फ्लैट जो एरिया है अर्थ की सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं प्लेन कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल जो प्लेन होता है उसमें बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, वो होता है प्लेन. उसके बारे में हम क्या कहते हैं, प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि नेम सम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द प्लेन्स. तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी रिवर्स बतानी है कि जो इसमें बहती हैं. तो बेटा इसकी मैंने आपको 3 जो इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं जो नॉर्थन प्लेन में बहती हैं उसके बारे में. तो आपको पता है कौन सी हैं? पता है? होप आपको नहीं बताओ कि आपने चैप्टर रीड आउट नहीं किया है मेरे ख्याल से. तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ. मेरे इसमें इसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, नेम सम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द प्लेन्स. तो ऐसी कौन सी हैं जो कि मतलब नॉर्थन प्लेन्स में जो कि रिवर्स बहती है. तो इसमें 3 रिवर्स हैं, जो मेन 3 रिवर्स है वो है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये 3 रिवर्स हैं जो कि इसमें बहती हैं. और भी हैं लेकिन मेन जो है ये 3 रिवर्स हैं. तो हम इन्हीं 3 रिवर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं एंड इनका ओरिजिन, और ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से निकली है, कहाँ से बहती है एंड कहाँ कहाँ को जाती है. ठीक है, तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे. इसमें देर क्या है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा के बारे में. एंड उसके बारे में बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन की इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, फिर यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं. ठीक है, फिर कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द लास्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो बेटा 3 मेन रिवर्स मैंने आपको बता दी हैं एंड नॉर्थन प्लेन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आज. तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, द नॉर्थन प्लेन्स आर फ्लैट लेवल लैंड दैट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. तो जो नॉर्थन प्लेन है वो बिल्कुल फ्लैट लेवल पे है, जो कि मतलब पंजाब से लेकर असम तक है. ईस्ट में पंजाब वेस्ट में है एंड असम कहाँ पे है, ईस्ट में. तो पंजाब से लेकर ये असम तक ये क्या है, स्ट्रेच है. बेटा मैंने आपके साथ ये ऊपर क्या कहते हैं, इसका ये मैप भी शेयर किया है जो कि नॉर्थन प्लेन का है. इसमें देखो ऊपर जो ऑरेंज से मार्क है ये सारे क्या कहते हैं इसमें स्टेट्स हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है पंजाब भी है, राजस्थान भी है एंड दिल्ली है, बिहार है, असम है, मतलब वेस्ट बंगाल है. ये सारे किस्में आते हैं आपके, ये सारे आपके आते हैं नॉर्थन प्लेन में. तो इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, ये जो स्टेट्स वगैरह इसमें मतलब मेंशन है वो सारे इसमें हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये याद करने के लिए. ठीक है, फिर आगे हैं, दीज प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय. और जो ये जो प्लेन्स हैं ये लोकेटेड है, मीन्स कहाँ पे, हिमालय के साउथ में, साउथ ऑफ द हिमालयस. ठीक है, आगे है, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड दे आर 152 to 300 किलोमीटर वाइड. मतलब इतना चौड़ा है ये. ठीक है, ये कवर करते हैं जो स्टेट्स को मैंने आपको बताया दिया, ये स्टेट्स को कवर करते हैं. वो हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ आसाम. ठीक है,
और बेटा मैं आपको आज का होमवर्क दे रही हूँ, इंडिया का आपको पॉलिटिकल मैप लेना है, एंड उस पॉलिटिकल मैप में आपको ये जो स्टेट्स दे रही है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम, ये आपको उसमें फिल करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। यहाँ तक आपको मतलब मैं आज पढ़ा रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेना, बाकी जो रेस्ट है आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ना ट्रिब्यूटरी है, इसकी ना डेफिनेशन आप लिख लेना और मतलब क्या होता है तो ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नो मोर में लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़िए, मतलब यू हैव इंटरनेट यू कैन रीड आउट फ्रॉम देयर, राइट? देन मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिब्यूटरी के बारे में बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। अगर आप सही हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ यू आर रॉन्ग देयर सो ये आपकी गलती, आपने सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड अपना होमवर्क कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, बाय बाय।